आदमी रिटायर होता है उसका सोचिए पेंशन का केस 3 महीने के अंदर अंदर तैयार हो हो जाना जाना चाहिए चाहिए, हो जाना एज चाहिए पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन। जी, हो जाना आप उसका जो पैसा है 2 साल के बाद दे रहे हैं और आप इंटरेस्ट नहीं देना चाहते उसको, कमाया है उसने, ये आप गवर्नमेंट खराद नहीं दे रही उसको, आपने डिले कर दिया, आप उसको रिट करने में मजबूर कर रहे हैं, ऑर्डर हो गया, रिप्रेजेंटेशन डिसाइड नहीं कर रहे, आप कितना इंटरेस्ट देना है ये बताएं आप, 12% देना है, 18% देना है, या 9% देना है, या 6% देना है। यस रीड। आई एम रीडिंग द लास्ट पैरा। कंसीडरिंग द अफोरसेड लिमिटेड प्लेयर, दिस पिटीशन इज डिस्पोज ऑफ विद द डायरेक्शन टू द इंजीनियर इन चीफ। दिस नंबर टू रिफ्रेश रिप्रेजेंटेशन इज फाइल्ड बाय द पिटीशन विद इन द पीरियड ऑफ 15 डेज, देन द सेड रिप्रेजेंटेशन शैल बी कंसीडर्ड एंड डिसाइड बाय द चीफ इंजीनियर। दिस पॉइंट नंबर टू विद इन द पीरियड ऑफ 45 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर पास टूडे बाय दिस कोर्ट विद अफोरसेड डायरेक्शन दिस पिटीशन इज डिस्पोज ऑफ। When you decided? नहीं, रिप्रेजेंटेशन वॉज नॉट आज तक नहीं डिसाइडेड, डिसाइड किया। नहीं डिसाइड किया, लेकिन इनके पूरे रिटायरेटिव जो थे जिसके लिए रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे वो सारे पे कर दिए सारे। अब ये उस पे डिलेड पेमेंट पे कब इंटरेस्ट पे कर रहे हैं? बता देता हूँ, मैं पेमेंट सारी डेट बता देता हूँ आपको। डेट बताएंगे कौन सी डेट को दिए हैं ये? ये मिला है इनको 28/2/2022 को। यस। अब ये चाह रहे हैं इन सब अमाउंट पे इनको इंटरेस्ट दिया जाए जो कि ओरिजिनल ऑर्डर में था ही नहीं। हाँ आदमी जब रिटायर होता है, हाँ जी, आदमी रिटायर होता है उसका सोचिए, पेंशन का केस 3 महीने के अंदर अंदर तैयार हो जाना हो जाना चाहिए चाहिए, हो जाना एज पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन। हो आप जाना उसका जो पैसा है 2 साल के बाद दे रहे हैं और आप इंटरेस्ट नहीं देना चाहते उसको, पर सर ये ऑर्डर नहीं था ना बाप। ऑर्डर ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, जी आदमी जी रिटायर होता है उसका उसका सारा केस इवन एडवांस में तैयार होता है और आप आदमी तो रिट करवा के दे रहे उसको। आपकी इच्छा, दैट आई लीव इट टू इच्छा माय, नहीं है कि ये कानून बोलता है, नहीं दैट आई लीव इट टू, ये अर्नड बेनिफिट है, ये कोई कोई दैट आई लीव इट टू खाद नहीं दे रही गवर्नमेंट, दैट आई लीव इट टू माय, ये उसका अर्नड बेनिफिट है, उसने जिंदगी भर कमाया है, दैट आई लीव इट टू माय रूट्स। सो फार एज इंटरेस्ट पार्ट इज कंसर्न्ड, ये कमाया है उसने, ये आप गवर्नमेंट खराद नहीं दे रही उसको। जी, आपने डिले कर दिया, आप उसको रिट करने में मजबूर कर रहे हैं, ऑर्डर हो गया, रिप्रेजेंटेशन डिसाइड नहीं कर रहे, लेकिन आप कहते हैं पैसा दे दिया, डिलेड पेमेंट पे इंटरेस्ट भी तो दोगे आप, रीजनेबल पीरियड 3 महीने का है सिर्फ रिटायरमेंट के बाद, उसके बाद इंटरेस्ट एक्रू होता है, अब कितना इंटरेस्ट देना है ये बताएं आप, 12% देना है, 18% देना है, या 9% देना है, या 6% देना है? जनरली कोर्ट 6% देती है आप जनरली। छह पे आ गए ना जी अब तक, जनरली तो आप एक अभी नहीं, अब आपने तक तो पूछा, आप आपने जनरली आपने इंटरेस्ट आई आपने नहीं, पूछा पूछा इसलिए बताया मैंने, आप अदरवाइज सर्विस, आप सर्विस में नहीं है ना, नहीं है। आप सर्विस में हो और आप रिटायर हो और 2 साल तक आपको कुछ ना मिले, आपका दिल ही जाने का क्या किया जाए, और आपको कोर्ट के चक्कर काटने पड़े पेंशन के लिए भी, इट इज नॉट ए बाउंटी, तो सरकार अर्न बेनिफिट है ये, या तो आप ये बताएं कि उसकी कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही हो या उसके खिलाफ कोई एफआईआर हो, तो आप उसका फॉरफिट भी कर सकते हो कुछ ना कुछ कंपोनेंट, कुछ भी नहीं, आपने डिले कर दीजिए, रिट भी करा रहे हो उससे, पेमेंट भी उसके बाद दे रहे हो, डिलेड पेमेंट है, इंटरेस्ट में आप पैर डाली आपने इंटरेस्ट में कि इंटरेस्ट देंगे नहीं, तो नहीं कहा मैंने ऐसे थोड़ी ऐसे, बड़े ऐसे थोड़ी चलेगा वकील साहब, आपको आपका मैंने आपके मेरा नहीं है डिस्क्रिप्शन ये, दिस इज जर्नल लॉ, लीजिए, आपका डिस्क्रिप्शन, आपको जो ऑर्डर कर, डिस्क्रिप्शन नहीं है ये, दिस इज द राइट, राइट टू हैव इंटरेस्ट आल्सो जी फॉर द डिलेड पेमेंट, ये सर डीवी डिसीजन है अपनी यहाँ का, सर है 12% डीवी डिसीजन, डबल बेंच डिसीजन, 12% इंटरेस्ट का रिटायरमेंट सर किसने दे दिया, डीवी, आप हाईकोर्ट की, अपने अपने हाईकोर्ट की वाली बेंच, वकील साहब को दिखाओ ना, बाकी सब ने देखा, मेरे को तो पता ही है इंटरेस्ट देना है, ट्वेल्व कितना परसेंट देना है ये पूछ रहे हो, बताओ, परसेंट है तो आपके ऊपर है, मैं तो आपके डिस्क्रिप्शन आप तो आपको पहले पोज कर रहे थे, जी आप हमारे को छोड़ रहे हो, चलिए, इसमें सर रीजन कुछ और है, रीजन नहीं कुछ और है, रूल्स में कोई प्रोविजन ही नहीं है, इसलिए एकदम से वी कैन नॉट मेक अ स्टेटमेंट, अदरवाइज लीगली वी कैन से, बट इन रूल्स बिकॉज देर इज नो प्रोविजन एज अ गवर्नमेंट एडवोकेट वी कैन नॉट मेक सच अ स्टेटमेंट। तो आप कंसीड तो कर सकते हैं चुपचाप, कई बार कुछ
कई बार वो कंसेशन रिकॉर्ड हो जाता है सर रिकॉर्ड हो जाता है जी जी तो जस्टिफाइड ग्राउंड पे तो आपको भी थोड़ा मानना चाहिए ना। जी जी एक आदमी रिटायर हो गया 2 साल तक, उसको ना पेंशन ना ग्रेच्युटी कुछ नहीं है उसके पास, ना लीव एनकैशमेंट कहाँ जाएगा, और जी कोर्ट में और आपने बुला लिया उसको मजबूरी करके। पिटिशनर हैज प्रेफर्ड दिस पिटिशन, आपने डिसाइड क्यों नहीं किया अब तक, ये कंटेंप्ट तो बन गई मैंने, समथिंग। पर जो एक मिनट मैं जो ऑर्डर कर रहा है वो यही था, पिटिशन हैज फाइल्ड दिस रिट पिटिशन रेजिंग हिज ग्रीवेंस दैट पिटिशनरी बेनिफिट्स एंड ग्रेच्युटी हैव नॉट बीन पेड टू हिम। इट इज सबमिटेड बाय द काउंसिल ऑफ पिटिशन दैट ही हैड प्रेफर्ड रिप्रेजेंटेशन थ्रू द अथॉरिटी बट द सेम हैज नॉट बीन कंसीडर्ड। ही मेक्स द लिमिटेड प्रेयर दैट रिप्रेजेंटेशन फाइल्ड बाय द पिटिशनर मे बी ऑर्डर्ड टू बी डिसाइडेड बाय द रीजनेबल टाइम। पिटिशनर हैज फाइल्ड द रिप्रेजेंटेशन बिफोर द कलेक्टर जबलपुर। काउंसिल ऑफ पिटिशन मेक अ रिक्वेस्ट ठीक है, दैट मैं प्रेजेंट कंटेंप्ट पिटीशन, हैज बीन प्रेफर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विलफुल एंड डेलिबरेट वायलेशन ऑफ ऑर्डर डेटेड 22 जनवरी 2021 पास्ड बाय द रिट कोर्ट इन डब्ल्यूपी नंबर 76 ऑफ 2021। फॉलोइंग ऑर्डर वाज पास्ड ऑन 22 जनवरी 2021। लर्न काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट्स नंबर, I am appearing for respondent number 6, my lord. He was added somewhere in the year August 2022. Respondent number 6, 6. that is competent authority. No, ma'am. He's just drawing and disbursing authority. Respondent number 6 submits that there was no submits that though, but chief engineer was to decide it. Who is representing chief engineer? Nobody. Yes, who is? गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट एडवोकेट इज अपियर ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। इंजीनियरिंग चीफ पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट सतपुरा भवन भोपाल। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन रिप्रेजेंटिंग हिम। नोबडी सिक्स के लिए है ना, बस सिक्स के लिए होता है। देखना सर्विस, देखना है सिक्स के बनाएंगे सर्विस, देखना एक बार देखना। वन टू सी टू रिप्रेजेंट।